हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम नो अनियन नो गार्लिक एक जैन सात्विक ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्रेवी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी और फायदेमंद है जिनको मटर पसंद तो बहुत है लेकिन वो खा नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बादी करती है, गैस बनाती है। तो पहले सामग्री नोट करिए। 2 कप आपका हरी मटर लिए, ये मैंने पैकेट वाली लिए। चीनी 2 टीस्पून और चना मसाला 1 टीस्पून। आपका फेनल पाउडर, सौंफ पाउडर 2 टीस्पून और आपका धनिया पाउडर 1 टीस्पून। वड़ी मैंने 2 लिए, यहाँ पे दिखाई एक है, 2 लिए। नमक स्वाद अनुसार, ग्रीन चिली 5-6 और आपका क्लोव के दाने जो लॉन्ग है वो 3-4 और उसके साथ बड़ी इलायची के छिलके से, बड़ी इलायची नहीं ली उसके छिलके लिए। अब इन सबको क्या करेंगे, कुकर में डाल देंगे सारे मसाले, सिर्फ आपका चना मसाला और आपका सौंफ मसाला छोड़ देंगे बाद के लिए। दोस्तों ये ग्रेवी जितनी ज़्यादा बनने में आसान है उतनी ज़्यादा फायदेमंद भी है और आप इसको बिना घी और तेल के बना सकते हैं जैसा कि मैंने बनाया है। बाद में मैंने इसमें घी का तड़का और थोड़ी सी क्रीम डाली है, वो सिर्फ अपने स्वाद के हिसाब से। तो जो लोग नहीं डालना चाहते वो नहीं भी डालें, आपके स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। 2 कप पानी डाल दीजिए इसके अंदर और कुकर में 2 सीटी तक पका लीजिए। 2 सीटी के बाद इसको हम उतार देंगे। देखिए 2 सीटी के बाद ये आपका अच्छे ढंग से पक गया है, वड़ी पूरी फर्म हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, मटर पूरी तरह पक चुकी है। अब इसके मटर के अंदर जो पानी है उसी के साथ इसको ठंडा होने के बाद हम ब्लेंड करेंगे, फाइन प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए अलग कर लिया मैंने वड़ी को अलग और उसको ग्रीन पीस को अलग कर लिया। अब पैन को दोबारा गर्म करेंगे और जो 2 बचे हुए मसाले हैं आपके, सॉफ्ट पाउडर और आपका चना पाउडर, इसको मिला करके इसमें से थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेंगे। फिर इसको पैन में डाल के हम एक उबाल देंगे। दोस्तों जो अपने इंडियन हर्ब्स होते हैं और मसाले होते हैं, अगर वो शुद्ध हैं तो वो इतने ज़्यादा एरोमेटिक और फायदेमंद होते हैं कि आपकी बॉडी के लिए कोई और मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस उनको राइट क्वांटिटी में और सही जगह यूज़ करना आना चाहिए। अब इसमें एक उबाल का मैं वेट कर रहा हूँ, इसके मसाले जो हैं जो मैंने डाले हैं हल्के से फूल जाएंगे, फर्म हो जाएंगे और फिर इसके अंदर हम ये वड़ी डाल देंगे जो ऑलरेडी उबली हुई है। ये डाल करके 5 मिनट ढक करके धीमी आंच पे, मध्यम आंच पे आप दोबारा पकाएंगे। उससे क्या होगा कि ये जो आपके मसाले हैं और जो वड़ी के मसाले हैं वो आपस में पूरी तरीके से कॉम्बिनेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे और आपका जो तेल का यूज़ होता है जहाँ पे मसालों की टेम्परिंग करते हैं वो हिस्सा खत्म हो जाएगा जो पानी डाल करके पूरा कर दिया है। मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये मेरा डिनर बन रहा है क्योंकि हमारे जैनियों में 10 लाक्षणी चालू हो गए हैं और हम लोग शाम से पहले खाना खा लेते हैं। तो ये ग्रेवी आज मेरी 10 लाक्षणी के पहले दिन की ग्रेवी है। अब ये ढंग से मिला दिया, इसके बाद इसको वापस से ढकेंगे मीडियम हीट पे, इसको वापस से 15 मिनट पकाएंगे। दोस्तों अगर आपको और गाढ़ी चाहिए, आपको डिपेंड करता है, अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा पतला रखें और अगर आपको पराठे के साथ खाना है और आपको मटर से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इसको थोड़ा रिड्यूस कर दें। ये आपकी ग्रेवी तैयार है, मैं इसको खाऊंगा चावल के साथ तो मैंने हल्का थिन रखा है। तो ये तो होगी आपकी बिना घी बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा घी और मिर्च का तड़का मारूंगा। जो लोग घी डाल करके खाना चाहते हैं थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हैं और आपका घी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।
बेल इंडिकेशन दबाना मत भूलिएगा मेरे अगले वीडियो के अलर्ट के लिए। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे। अब मैं आपसे मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्पेंड लेस, ईट बेस्ट। सी इट, ट्राई इट, मेक इट, फील इट।